एवरीवन मु डीएसरी गौड ए यूट्यूब चैनल को आपण मानक पुणी थे स्वागत करुच्छी। आम पढ़ुते श्रेणी अष्टम विषय विज्ञान आज गोटे नुआ पाठ को मजा पाठटे पढ़वाटी जहाँ हूँ कौन आलोक यही चित्रर पछपटे देख गोटे कौन आसूँ आलोक आसूँ कौच ना मानने कौन सी जिन जल्दी ठीक अच्छे से जगह उज्जवल देखा गोटे सेटा को आम कौन बोली कही था आलोक कही था। आज आम यही पाठरे कौन करवा मानने आलोक मानने आम दैनंदिन जीवन में किपर कार्य करुच्ची जड़ित कतोटी मानने मजा कथा गुड़ाक आज आम अध्याय पढ़वा चल आरंभ करवा आज पाठ आमर आलोक। अच्छा पिला माने ए जगह देखो कौन देखा दुईटी कठोरी अच्छे ठीक अच्छे यही गोटे कठोरी यहाँ गोटे कठोरी ये कठोरी मानने कौन सब देखा मानने कौन सब अच्छे से भितर तुम देखिपार गोटे बेड अच्छे ठीक अच्छे चेयर मानने झरका सब अच्छे आम देखिपु कि जो कठोरी अच्छे देख य जगह कौन सब ये कठोरी अच्छी तुम्हें भल भाव देखिपार कि मानने कौन देखा अंधार देखा ना ना एमती कहीं देखा कह यही कोठरी आम सब जिनस गुड़ाक देखिपुँ कि जो कोठरी अच्छी द्वितीय कोठरी आम कौन भी से भितर जिनस गुड़ाक मानने देखिपु ना कहीं हो देख ये कौन अच्छी गोटे आलोक प्रदान करुवा गोटे मानने जिनसटे अच्छी ना ना मानने घरे कौन तुम कोठरी जिनस गुड़ाक केमी देखी था गोटे बल्ब कि कौन सी मानने आलोक दे पदार्थ कि जिनस वस्तु थी ही तुम देखिपार ना सेमती यही कोठरी सेमती आलोक प्रदान अच्छी ठीक अच्छे किंतु यही कोठरी कौन सेमती कौन सी भी आलोक प्रदानकारी वस्तु ना ठीक अच्छे तेणुक आम कौन करे प्रथम चित्र सब जिनस गुड़ाक मानने देखिपे कि तृतीय आम देखिपु ना एमें कौन बुझे देख मानने कौन सी भी जिनस को आम देखापी कहार आम मानने आमको कहार आवश्यकता पड़ू आलोकर आवश्यकता पड़ू मानने कौन सी जिनस कौन पड़ू आलोक जिते बेले पड़ू ठीक अच्छे आम से वस्तु गुड़ाक आम आखि साहय देखिपे ठीक अच्छे किंतु देखो आम आखि अच्छी किंतु आम जो जगार आलोक पड़ूना से जगह को आम देखिपु ना आलोक पड़ू जगह को आम ही देखिपे सेमती आम चारिपार्श्वे कौन सब देखी था देख नदी होंबा पहाड़ घर गच्छलता ठीक अच्छे आम आम मानने चतुपार्श्व घेरी रही विभिन्न वस्तु जिनस गुड़ाक जहाँ आम कौन व्यवहार करुचे से सब कुछ साहय देखी था आम आखि साहय देखी था कि आम आखि सहित आउ कौन दरकार पड़ता है आलोक दरकार पड़ता है जदि से मानते जब आलोक पड़ब ना आम देखिपर कि ना यू जिनस गुड़ाक तुमको कौन कहो अंधारे रखिकी एगुड़ी कौन कौन जदि कह कहले तुम्हें एगुड़ाक मानने नाम कहीपर कि चिन्हपर ना कारण से जगह से मानते आलोक पड़ू ना मानने एमें कौन सब बुझीपर जापर देख मानने वस्तु को देखार किए सहायक हो मानने आलोक सहायक होण सी एक वस्तु जदि कौन आलोक आम चक्षु को आसिले ही आम वस्तुटी को देखिपु बुझीला केवल आम आखि साहय आम कौन वस्तु को देखुना जिते बेले आलोक कौन वस्तु पड़ू से ही आलोक कौन होम चक्षु को जिते बेले आसुची आम से वस्तु को देखिपु ठीक अच्छे सेमती कौन आलोकर आउ कौन सब आम मानने कम आसी था देख स्वास्थ्यपी कम आसी था ठीक अच्छे जमीन विटामिन डी को क्या साहय मानने तैयारी हुए आम शरीर में जिते बेले सूर्यर आलोक जिते बेले आम शरीर में पड़े कौन विटामिन डी हुए ठीक अच्छे सेमती आम विभिन्न प्रकार शारीरिक कार्य मैंने काम आसी थापरी कौन खाद्य तैयारी सहायक होता है खाद्य तैयारी कहार खाद्य तैयारी गच्छ कौन करी आलोक एवं पानी एमती व्यवहार करके कौन कर विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रिया घटाई ता शरीर में निज खाद्य निजे प्रस्तुत करें गच्छ मानने कौन आम उद्भिद जत पदार्थ खाई था मानने कौन परोक्ष कि प्रत्येक भाव में यह आम कौन अं मानने खाद्य स्वास्थ्य एमती काम आसूँ ठीक अच्छे आउ कौन आम जानी प्रथम देखिपारे साहय कै ठीक अच्छे आलोकर कौन सब कम अच्छे आम बुझीपारे तापर देखा कौन ये आलोक कहले कौन कह कौन बुझा ठीक अच्छे यह एक प्रकार कौन शक्ति जहाँ आम को कौन कर देखे साहय करें कौन से जिनस को क्या साहय देखुची आलोक साहय देखुची ना ना बुझीगला बाहरी कौन कहीपर आलोक को यह एक तरंग जहाँ मध्यम ठीक अच्छे मध्यम मान कायुपे बा पा होपे
ତରକାରୀ କାଚ ଦେଇକି କ'ଣ ହୁଏ ଏବଂ କ'ଣ ଏହା ମାନେ ବିନା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଶୂନ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କ'ଣ କରିଥାଏ ଗତି କରିଥାଏ। ठीक अच्छे केमी गति करें शून्यरी मैंने गोटे सूर्यर जो आलोक आसी थाए ठीक अच्छे सूर्य आम ठार के दूर जाच ठीक अच्छे मैंने मध्य कौन वायु थाए कि ना से कौन शून्य थाए से जगह से कौन करती करी थाए आलोकटी आम पाखक ठीक अच्छे तेणु यहाँ आम गोटे कौन कह तरंग जहाँ मध्यम मानने कौन वायु हूँ पा हूँ काच दे कि कौन शून्य गति करें ए आलोक को आधार करके आम कौन कर वस्तुर प्रकार जापर किपरि मानने यहाँ मुख्यतः आलोक को लेकिन दुई भाग में मानने विभक्त कर गोटे को आम कही था कौन दीप्तिमान वस्तु आउ गोटे को दीप्तिहीन वस्तु दीप्तिमान दीप्तिहीन मानने कौन दीप्तिमान अर्थ हो लुमिनियस कहती मानने जो वस्तुर कौन हुए निजर आलोक थाए ओ माने से कौन कै आलोक रश्मि मानक निज ठार मान पार्श्वर ताको कौन कै विकिरण कै ठीक अच्छे माने से ही प्रकार वस्तु को आम कौन बोली कही था दीप्तिहीन वस्तु बोली कही था ठीक अच्छे सेमती दीप्ति दीप्तिमान वस्तु क्योंकि हो पार कह जमी सूर्य निज ठार कौन कैसे आलोक रश्मि को विकिरण कै ठीक अच्छे सेमती कौन आम घर कौन व्यवहार करुवे कौन एलईडी लाइट बल्ब एगुड़ाक कौन कै आलोक रश्मि विकिरण करे ना नहीं सेमती टर्च ये सब हेले कौन गोटे गोटे दीप्तिमान वस्तु बुझीला सेमती कौन दीप्तिहीन वस्तु मानने कौन जो वस्तुर कौन थी निजर आलोक थाए ना ठीक अच्छे से कौन कै मैंने आलोक रश्मि विकिरण करे ना जमी आम कौन देखुचे गच माने तापरे कौन पशुपक्षी आम विभिन्न जो वस्तु व्यवहार करुचे तापरे चंद्र कौन सेमती गोटे दीप्तिहीन ठीक अच्छे माने से निज कौन आलोक रश्मि विकिरण करे कि ना ताहा माने सूर्य ठार आलोकित तो होई आमको आलोक प्रदान करें बुझीला। अच्छा आउ गोटे आम कौन कहे आलोकित तो वस्तु मानने कौन कौजे कौन आम चंद्र कौन करुचे कौचे आम सूर्य ठार आलोकित तो होई आमको आलोक प्रदान करुचे मानने कौन आलोकित तो वस्तु मानने कौन कही पार आम मानने आलोक द्वारा जो वस्तु आलोकित तो हुए ठीक अच्छे ताकू आम आलोकित तो वस्तु कही पार ठीक अच्छे कौन सी भी मानने सूर्य हो कि निया हो टर्च कि मोमबती जेकोसी भी ठीक अच्छे से ठार आलोक पाई मानक जो वस्तुटी कौन हम आलोक प्रदान कर ठीक अच्छे जमी चंद्र हो कि कौन सी स्टेज्रे जमी लाइट पड़ी था जगह टी कौन होता है आलोकित तो देखा जाए ना से ही मानक आम कौन बोली कह आलोकित तो वस्तु बोली कहीपर बुझीला माने दीप्तिहीन माने जो वस्तु निजर आलोक जो वस्तु निजर आलोक थाए एवं दीप्तिहीन माने जो वस्तु निजर आलोक थाए ना ठीक अच्छे यहाँ कौन कर रश्मि विकिरण करें निज ठारु एवं दीप्तिहीन कौन निज ठारु रश्मि माने विकिरण करे ना आलोक तो वस्तु माने कौन बुझे आम जहाँ आलोक द्वारा कौन हुए आलोकित तो हुए ठीक अच्छे तापर देखा कौन यही आलोक कौन सी पृष्ठ पड़े कौन हुए ठीक अच्छे पृष्ठ उपर प्रथम देखा कौन कला पृष्ठ जो जगह कला थी ठीक अच्छे यार देख गोटे कला पृष्ठ ठीक अच्छे एते बेले आम कौन करुचे मानने टर्च साहाज्य कि अगर कौन सात से आम आलोक मानने से पकाइबा कौन हो देख यो जगार आलोक पड़ू ता कौन आलोकित तो देखा जाऊँगी कि ना यार अर्थ कौन माने जो माने पृष्ठ रे कौन से आलोक माने रश्मि गुड़ाक पड़ू सेठार कौन हो माने से जगार कौन हो जाद्वारा यह आलोकित तो देखा जाऊ ना माने से आलोक माने से पृष्ठ रे कौन हो कौन हो जाशी हो जा ठीक अच्छे तेणुक आमको कौन हो मानने कला देखा मानने आलोकित तो देखा जाऊना मानने यार अर्थ आम कौन बुझे जो कौन आलोक जिते बेले कौन सी पृष्ठ से पड़ू ठीक अच्छे मानने सेठारे से कौन हो पारे से पृष्ठ से ता शोषित हो पाए ठीक अच्छे यही चित्र देखिपार जिते बेले कौन सी आलोक पड़ू मनकर कला पृष्ठ हो जगह से कौन हो भितर शोषित हो जाए तार से जो कणिका गुड़ाक था से भितर से शोषित हो पारे ठीक अच्छे से हीपर जदि आम कौन से स्वच्छ व अस्वच्छ काच उपर जदि आलोक को पकाई देखा कौन है देख
ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ନେବା ଗୋଟିଏ ଏମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚଟି ନେବା ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକିଏ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମାନେ କାଠର ମାନେ ପଟାଟେ ନେବା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ତିନି ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଟର୍ଚ୍ଚ ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ କରିବା ସେଇ ଯେଉଁ ପଟା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ ମାନେ ଆଲୋକ ପକାଇବା ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଦେଖିବ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବ କ'ଣ ଯେଉଁ କାଚ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚ ନେଇଥିଲି ସେଇ କ'ଣ ତାର ପୃଷ୍ଠ ଦେଇ ସେଇ ଆଲୋକଟି ବାହାରକୁ ମାନେ ତା ପଛପଟେ ସେ ଆଲୋକ ଆସୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ତା ପୃଷ୍ଠ ଦେଇ ଆଲୋକ ଯାଇପାରୁଛି। ସେହି ପ୍ରକାର ଟିକିଏ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ଟିକିଏ କାଚ ନେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ, ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମ ତୁଳନାରୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚ ତୁଳନାରୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପଛପଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଲୋକ ମାନେ କମ୍ ଯାଇପାରୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମେ କାଠର ଯେଉଁ ପଟା ନେଲେ ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ପକାଇଲେ ଟର୍ଚ୍ଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ପକାଇଲୁ କ'ଣ ହେଲା ତା ପଛପଟେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଯାଉଥିବ ସେଇ ଆଲୋକଟି ମାନେ କିଛି ହେଉଥିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ପଛପଟେ ଆମକୁ ମାନେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ବା ସେ ପୃଷ୍ଠ ଦେଇକି ସେ ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଏଇ ମାନେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଇ ପୃଷ୍ଠ ଦେଇ ସେ ଆଲୋକ ଯାଇପାରୁଛି କି ଏଇ ଯେଉଁ ଏହାର ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ଆଲୋକ ଯେଉଁ ଯାଇପାରୁଛି ତା'ର ପରିମାଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏହା ତା'ର ପରିମାଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ୁଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଲୋକ ସେଇ ପୃଷ୍ଠ ଦେଇ ସେ ଆଲୋକ କ'ଣ କରିପାରୁଛି ଯାଇପାରୁଛି। ଏଇ କାଚରେ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦିଅ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଏଇ କାଚର ଆଗପଟେ ଯେମିତି ଅଛି ପଛପଟେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଛି, ମାନେ ପଛପଟେ କୌଣସି ଏମିତି ପୋଲିସ କିମ୍ବା କୌଣସି ମାର୍ଜିତ ସେମିତି ରଙ୍ଗ ଦିଆ ହୋଇନି ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟିଏ କାଚଟିଏ ନେବା ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ତା'ର ପଛପଟେ ମନେକର ଗୋଟିଏ ପଟେ କାଚ ଥିବ ଆଉ ତା'ର ପଛପଟେ କ'ଣ କରିଦେବା କୌଣସି ମାନେ ରଙ୍ଗରେ ଏମିତି ରଙ୍ଗେଇ ଦେବା ବା କୌଣସି ମାନେ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ କ'ଣ କରିଦେବା ମାର୍ଜିତ କରିଦେବା ଠିକ୍ ଅଛି, ପୋଲିସ କରିଦେବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଆମେ ତା ଉପରେ ଏମିତି ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଟର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ସେ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଲାଇଟ୍ ବା ଆଲୋକ ପକାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ, ଏଇଟା ଦେଖ ଏମିତି କରିଲେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ହେବ ଏମିତି ଆମେ ଗୋଟିଏ କାଚଟେ ରଖିକି ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟିଏ ମାନେ ଟର୍ଚ୍ଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମିକୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଏଇ କାଚକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ କାଚ ଉପରେ ପକାଇବା କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ ସେ ଆଲୋକ ସେଥିରେ ପଡ଼ିକି ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ କାଚ ଏମିତି ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏମିତି ଆଲୋକ ପକାଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିକି କ'ଣ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଫେରିଯାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ଏହାର ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠ ଅଛି ସେଥିରେ ମାନେ କ'ଣ ଏହା ଏହା ପୃଷ୍ଠରେ ମାନେ ଶୋଷିତ ହେଉନାହିଁ କିମ୍ବା କ'ଣ ହେଉଛି ଏହା ଏହି ପୃଷ୍ଠକୁ ଦେଇକି କ'ଣ ମାନେ ପୃଷ୍ଠ ଦେଇ ଯାଇପାରୁନାହିଁ କ'ଣ ହେଉଛି ତା'ର ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିକି ସେ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ତାହା ମାନେ ଗତି କରିକି ମାନେ ଫେରିଯାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଆଲୋକ କୌଣସି ପୃଷ୍ଠରେ ମାନେ ପଡ଼ିକି କ'ଣ କରିପାରେ ସେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥାଏ ସେଇ ଜାଗାରୁ ତାହା ଫେରି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଆସିଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆସିକି ପୁଣି ଯେଉଁ ଫେରିଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତିଫଳନ କୁହାଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଲୋକ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଫେରିଯିବାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପ୍ରତିଫଳନ କୁହାଯାଏ। ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରିଲେ ସେଥିରୁ ଆମେ ମାନେ ଆଲୋକ କ'ଣ ହୁଏ କୌଣସି ପୃଷ୍ଠରେ ମାନେ ପଡ଼ି ଫେରିବାକୁ ଆଲୋକର ପ୍ରତିଫଳନ କୁହାଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ଫେରିଥାଏ ମାନେ ଆସିଥାଏ କୌଣସି ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିକି ଫେରିବାକୁ ଆମେ ମାନେ ଆଲୋକର ପ୍ରତିଫଳନ କହିଥାଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଆଉ ସବୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ତିନୋଟି କଥା ଜାଣିପାରିଲେ, ପ୍ରଥମ କ'ଣ ହେଲା ଆଲୋକ କୌଣସି ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିଲେ ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଆଉ କେତେକ କ'ଣ ହୁଏ ଆଲୋକ କୌଣସି ପୃଷ୍ଠ ଦେଇ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ ଯାଇପାରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ କୌଣସି ଏମିତି ପୃଷ୍ଠରେ ଆଲୋକ ପଡ଼ିକି ସେଇ ପୃଷ୍ଠକୁ ଭେଦ କରିକି କ'ଣ ହୁଏ ସେ ଯାଇପାରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଆଲୋକର ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ସେଇଠି ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, ଯେମିତି ଆଲୋକ ଶୋଷିତ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆମେ କଲା ପୃଷ୍ଠଟେ ନେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେହିପରି ଆଲୋକ ପୃଷ୍ଠ ଦେଇ କୌଣସି କେତେବେଳେ ମାନେ ପୃଷ୍ଠ ଦେଇ ଯାଇପାରେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ
पृष्ठटी स्वच्छ थी काच पी आम कौन देखिले प्रतिफलन केतबेले होउछि जितेबेले आम काचर गोटे पटे कौन देदेले आम रंग देदेले ठीक अच्छे से पृष्ठ जितेबेले पड़ुछि माने रंग पटे नहीं तार जो विपरीत पटे जो पटे सफा अच्छे से पटे पड़े कौन हो आलोक माने फेरी जाउछि माने प्रतिफलन होउछि माने कौन केतेक माने पृष्ठ उपर निर्भर करुच्च मनकर कौन स्थान रु माने कौन आलोक आसिले कला पृष्ठ से ता शोषित हो जाऊँगी ठीक अच्छे आज जोटी कौन थी स्वच्छ थी से पृष्ठ दे जापारूँ केतेक पृष्ठ जहाँ पछपटे मार्जित या पॉलिश कराई थी से जगह कौन हो जो आलोकटी फेरी जापार जहाँ को आम प्रतिफलन कौचे एई प्रतिफलन को लेकिन आम आग को माने डिटेल पढ़वा ठीक अच्छे एति की जान तीनोटी पृष्ठ माने ऊपर किपर गोटे आलोक पड़े कार्यकारी हो ठीक अच्छे तापर देखा कौन प्रतिफलन किपर हुए आद्वारा कौन सब होता है ठीक अच्छे आम प्रतिफलन क्या कौचे आलोक पृष्ठ माने पड़ फेर को प्रतिफलन कौचे देख या कौन गोटे सूर्य ठीक अच्छे सूर्यर जितेबले आलोक मान रश्मिटी आसूसी यही है गोटे पृष्ठ पृष्ठ उपर पड़ सारा कौन हो फेरी जाऊक आम प्रतिफलन ताकि रिफ्लेक्शन कहती ठीक अच्छे माने जो कौन रश्मिटी आसला ठीक अच्छे जो पृष्ठ दे माने से जगह फेरीगला से पृष्ठ को कौन बोली कहा जाए प्रतिफलक पृष्ठ कहा जाए ठीक अच्छे माने कौन माने प्रतिफलन होता पृष्ठ को आम कौन बोली कहा माने कही था प्रतिफलक कही था प्रतिफलक माने क्यों प्रकार पदार्थ होता क्यों प्रकार वस्तु होता देख माने तार से प्रतिफलक गुण कौन सब थी यह पछपटे कौन थी मार्जित या पॉलिश करा होती ठीक अच्छे यार जो पृष्ठ थी चिकण थी आम देखिले कौन काचर जो पृष्ठ थी कौन थी चिकण थी ठीक अच्छे पछपटे कौन कराई पॉलिश कराई आउ कौन जाच काचर तार आ कौन गोटे गुण चकचकिया सैनी थी ठीक अच्छे से ही प्रकार आउ जो कौन वस्तु गुड़ाक थी से जी आम आलोक पकड़ा सेठारे कौन हम प्रतिफलन हम से ही प्रकार आउ कौन विभिन्न कौन माने पदार्थ गुड़ाक थाए ठीक अच्छे ताऊपर कौन हुए हाँ मैंने निर्भर कै मैंने के प्रतिफलक से मानने भल प्रतिफलन हे ठीक अच्छे रूपा जो धातु थाए से मैंने बहुत ताको आम कहीपर बहुत भल प्रतिफलक मान से मानते जिते भी आलोक पड़े ता सब कौन होता है मानने प्रतिफलन होता है देख आउ कौन आलोक कौन हुए सरल रेखिक कौन गति करें ठीक अच्छे आलोक सरल रेखिक पथ को एक रश्मि साहय प्रकाश कराए आम जो आलोक देखुचे ठीक अच्छे ता गोटे कौन मानने सरल रेखिक गति गति ताको कौन कराए आम जिते बड़े पढ़ी था ठीक अच्छे ताकूमती गोटे रश्मि ताको प्रकाश कर प्रकृत यह कौन मानने जो रश्मिटी अच्छी ता समातर आलोक रश्मि एकत्र ठीक अच्छे एक सरूर रश्मिगुच्छ मैंने रश्मिगुच्छ मैंने कौन कह पार अनेक गुड़ी आलोक रश्मि से थाए यठार कौन देख एक टर्च साहय गोटे पृष्ठ मानने रश्मि पका आलोक रश्मि पका ठीक अच्छे आउ कौन करा मैंने से पृष्ठ पड़ सारापर से रश्मिटी कौन हो फेरी जाऊँच ठीक अच्छे मानने यो आलोक रश्मि पड़ा कौन से पृष्ठ ठीक अच्छे से कौन मानने फेर को जो रश्मि आलोक रश्मि अच्छे से विज्ञान भाषा में मानने केतेक नाम दिखाई ठीक अच्छे मानने आलोक रश्मि पड़ा को गोटे आलोक रश्मि फेर को जो पृष्ठ पड़ी थाए आस देखा से सब कौन कौन प्रथम है कौन आपतित रश्मि आपतित रश्मि मान कौन जो आलोक रश्मिटी कौन सी एक पृष्ठ उपरे पड़े ताक आपतित रश्मि कहती मान कौन देख यही गोटे कौन सूर्य सूर्य ठार गोटे कौन पड़ी आलोक रश्मिटी पड़ू ये पृष्ठ उपरे ठीक अच्छे एवं कौन हो फेरी जाऊँच मानने जो रश्मिटी पृष्ठ उपरे पड़ू ताको आम कौन बोली कही था आपतित रश्मि कही था मानने कौन सी आलोकित मानने आलोक माने कौन रश्मि जो आसूसी ताको आम आपतित रश्मि कही था चित्र देख या मानक गोटे है पृष्ठ ठीक अच्छे ये पछपटे जो एमती गार कराई ताला कौन मानने से पछपटे मानने रंग कराई ठीक अच्छे पॉलिश कराई तापर जो रश्मि मानने पड़ू ठीक अच्छे ये तीर देखुच यहाँ मानने कौन तापर पड़ू यहाँ आम कौन बोली कही था आपतित रश्मि बोली कही था
सही प्रकार यही फेरुवा रश्मि को आम कौन कहीपर ताकू कह कौन प्रतिफलित रश्मि। प्रतिफलित रश्मि मानने कौन कहीपर आम प्रतिफलन पर मानने कौन सी पृष्ठ पड़ सारापर जो फेरी था मानते प्रतिफलन कही था प्रतिफलन पर जो रश्मिटी रश्मि कौन से ही पृष्ठर तहार दिग माने परिवर्तन करी फेरी आसे ताकू प्रतिफलित रश्मि कह जाए। देख प्रथमे क्यों दिग को जाऊँ यही दिग को माने जो रश्मि गला ताकू आम आपतित रश्मि कहले तापर कौन है से जगह पृष्ठ उपरे पड़िकी माने से माने कौन तार माने अन्य दिगरे से कौन कला माने फेरी गला ताकू आम कौन बोली कही था प्रतिफलित रश्मि बोली कही था बुझेल। तापर देख अभिलम्ब अभिलम्ब माने कौन आपतित रश्मि ओ प्रतिफलित माने कौन जो बिंदुरे पृष्ठ प्रति लंब को अभिलम्ब कहती माने कौन बुझल यहाँ है कौन से पृष्ठ जहाँ उपर आलोक आलोक रश्मि जहाँ को आम आपतित रश्मि कह पड़ू ठीक अच्छे जो जगार पड़ू से जगार कौन हो माने प्रतिफलित रश्मि फेरी आसुची माने ये बिंदु जो जगार कौन आपतित रश्मि एवं कौन प्रतिफलित रश्मि अच्छा से बिंदुर जदि आम कौन करवा माने नब्बे डिग्री माने अंकन करवा ठीक अच्छे ये जगह आम जब नब्बे डिग्री अंकन करवाकू आम कौन बोली कही था अभिलम्ब कही था। तापर देखा कौन आपतन कौन और प्रतिफलन कौन माने कौन आपतन कौन माने कौन आपतित रश्मि ओ अभिलम्ब मध्यवर्ती कोण को आपतन कोण कहती आपतित रश्मि कौटा यहाँ है आपतित रश्मि ये मझिकार को आम कौन बोली कही था अभिलम्ब ता मध्य जो कोण माने सृष्टि होई थाए माने कोण सृष्टि करी थाए आपतित रश्मि का सहित अभिलम्ब सहित से ही माने कोण को आम कौन बोली कही था आपतन कोण बोली कही था सेमती कौन आ गए प्रतिफलन कौन प्रतिफलन कौन माने कौन जो प्रतिफलित रश्मि और कौन अभिलम्ब मध्यवर्ती कोण को प्रतिफलन कोण बोली कहा जाए। ये चित्र देख कौटी प्रतिफलन कौन ये प्रतिफलित रश्मि जो कौन से पृष्ठ दे फेरी आसी ठीक अच्छे एवं ये अभिलम्ब मध्य जो कोण माने आम कौन बोली कही था प्रतिफलन कोण बोली कही था आपतन कोण को कौन कहुए आई द्वारा सूचित कराए ठीक अच्छे एवं प्रतिफलन कोण को कौन बोली कहुए माने सूचित कराए आर द्वारा सूचित कराए थाए बुझीला माने आपतित रश्मि कौन प्रतिफलित रश्मि कौन अभिलम्ब कौन एवं यहाँ द्वारा सृष्टि होता जो कौन आपतन कौन कहले कौन एवं प्रतिफलन कौन बुझीला। तापर देखा कौन प्रतिफलन पृष्ठ जो प्रतिफलन पृष्ठ क्या कही था माने जो पृष्ठ कौन हुए आपतित सरी आपतित आपतित रश्मि एवं प्रतिफलित रश्मि आउ कौन अभिलम्ब एक समतल अवस्थान करती ठीक अच्छे माने गोटे समतल अवस्थान करती से पृष्ठ को आम कौन बोली कही था प्रतिफलन पृष्ठ या पूर्वर मध्य कही। नेक्स्ट आम देखा कौन माने केतेक रश्मि को आम देखा किपर देख यहीटा कौन बुझीपार चित्र मैंने आपतित रश्मि पड़ू प्रतिफलित रश्मि पड़ू माने आम कौन करवा प्रथम गोटे आपतित रश्मि टीए पकाइबा एवं जिते माने कोण होकू आम माने टीपी रखा ठीक अच्छे तापर कौन करवादा जो प्रतिफलित रश्मि होती लिखा आम यहाँ परीक्षा करें देखिपर ठीक अच्छे कौन तापर आउ मैंने अगर कोण से जिते बेले आम आपतित रश्मि पकाइबा कौन हे जो कौन अंकन करू आम प्रथम लिखा ताद्वारा जो सृष्टि हो प्रतिफलन कोण को तापर आम लिखा एवं एमती केतेक परीक्षा करें मैंने लिखि लिखि देखा कौन देख जिते मैंने कौन हो आपतित रश्मि मान जिते कोण परिमाण हो ठीक अच्छे से परिमाण कौन हो माने जो कौन माने कौन आपतन कोण एवं कौन प्रतिफलन जो कोण थी कौन हो सामान हो सब जगह सेम थी ठीक अच्छे जो जी कौन हो माने आपतित कोण हो सामान परिमाण जो तार द्वारा प्रतिफलित रश्मि जो सृष्टि हो तार परिमाण कौन हो सामान हो ठीक अच्छे सब जगह माने आम कौन बुझे माने माने आपतन कोण एवं प्रतिफलन कोण जो परिमाण कौन थाए सामान थाए ठीक अच्छे आई मैंने कौन आपतन कोण एवं आर मैंने कौन
कही आम प्रतिफलन कौन मान आपतन कोण परिमाण सब बेले तार प्रतिफलन कोण सहित समान होई थाए। एबे देखिबा कौन प्रतिफलन नियम आपतित रश्मि ओ आपतन बिंदुरे कौन अंकित अभिलम्ब ओ प्रतिफलित रश्मि एक समतल रे अवस्थान करती आम देखिले ना जिते बेले कौन गोटे पृष्ठ रे कौन पड़ुछि आपतित रश्मि प्रतिफलित रश्मि पड़ुछि सब कौन करुछंती गोटे ही समतल रे अवस्थान करुछंती ना बुझीगला आउ कौन आपतन कोण और प्रतिफलन कोण समान यह पूर्वर मध्य कहली ना जिते बेले आम विभिन्न मानने केतोटी जदि आपतित रश्मि पकाएबा तार जो प्रतिफलित रश्मि जो हेबो सेमानन को जो कोण हेबो आपतन कोण एवं प्रतिफलन कोण प्रत्येक कोण होइथाय समान होइथाय माने एहा को कोण कह जाय से प्रतिफलन रो नियम कह जाय। प्रथम हैला कोण आपतित रश्मि आपतन बिंदु रे अंकित माने अभिलम्ब और प्रतिफलित रश्मि एक माने समतल रे अवस्थान करती। द्वितीय है कौन आपतन कोण और प्रतिफलन कोण माने तार परिमाण समान यहाँ है कौन प्रतिफलन नियम यहाँ कौन कर मन रख बुझा। तापर देखा कौन आलोकर उत्स आलोकर उत्स क्योंठ आसे मुख्यतः जान जोटि दीप्तिमान वस्तु होमती मोमबत्ती सूर्य टर्च ये सब हेल्ले गोटे गोटे कौन माने आलोकर उत्स जहाद्वारा आम आलोक पाई यार माने प्रकार थाए कौन माने केतोटी माने देखी थी आलोक कौन हुए माने गोटे माने बिंदु रू मान मिली था कौन होता है तार आलोक एमती मान आकार एमती था ठीक अच्छे। तापर कौन हुए केतेक आलोक कौन हुए माने गोटे माने माने कही पार कौन संप्रसारित माने मिली थाए से आलोकटी यह माने आधार करें भाग कर ठीक अच्छे। गोटे कौन बिंदु आलोक आउ गोटे को कौन बोली कह जाए संप्रसारित आलोक कह जाए। बिंदु आलोक कौटी हम देख जिते बेले आम टर्च टे माने आम कौन कर जाली था ठीक अच्छे केमी तार आलोक केमी आसी था देख एमती आसी था मानने गोटे बिंदुर सृष्टि हो देखा ठीक अच्छे। बिंदुर सृष्टि कौन हो आलोकटी एमती विकिरण होकर आलोक को आम कौन कही पार्टी बिंदु आलोक कही था से हीपरि कौन जमी मोमबती हूँ कि ट्यूबलाइट हूँ यठार आलोक केमी मिली था केमिती मिली था देख यहाँ गोटे ट्यूबलाइट ए आलोक कौन सबुआड़े मानने एमती विकिरण कर गोटे बिंदुर आसी दिशुची कि ना गोटे मानने चौड़ा कि संप्रसारण हो मान विकिरण करकार को आम कौन बोली कही था संप्रसारित आलोक कही था। ये देखिए कौन दर्पण प्रकार दर्पण तुम्हें देखीज घरे व्यवहार कर प्रत्येक दिन से ही दर्पण केते प्रकार थाए देख गोटे थाए कौन समतल दर्पण आउ गोटे थाए कौन वर्तुलाकार दर्पण समतल दर्पण मान कौन जार मान पृष्ठटी कौन थी सामान थी ठीक अच्छे। जा तुम्हें जो गोटे दर्पण को एमती देख ठीक अच्छे तार पृष्ठ एमती कौन थी सामान थी तापर आ गए सेमती दर्पण थाए कौन वर्तुलाकार दर्पण से कमी थी मानने तार पृष्ठ समतल थाए ना ठीक अच्छे सेमती टिके मानने कौन होता है वर्तुलाकार थाए यहाँ है कौन वर्तुलाकार ठीक अच्छे। जहाँ आम स्पेरिकल बोली कही था यहाँ है ना से ही प्रकार मानने दर्पण यह ये वर्तुलाकार दर्पण कौन थाए गोटे अवतल थाए आ गोटे उत्तल दर्पण थाए ठीक अच्छे। समतल दर्पण मान कौन देख आम जो घरे व्यवहार जो करूँ दर्पण से हीटा है गोटे समतल दर्पण तार कौन थाए जो पृष्ठ थाए कौन थाए मान समतल थाए ठीक अच्छे। घरे आम व्यवहार करूवा दर्पण को आम समतल दर्पण कहींपर ठीक अच्छे। प्रतिफलन पृष्ठ कौन थाए तार समतल थाए तापर देखा कौन अवतल और उत्तल दर्पण माने यहाँ गोटे कौन वर्तुलाकार दर्पण प्रकार ठीक अच्छे। अवतल दर्पण माने कौन देख ये देखा कौन उत्तल दर्पण कौन हुए देख बाहर पटु माने कौन हुए प्रतिफलन होता है अवतल दर्पण कौन हुए भितर पटु प्रतिफलन होता है माने यहाँ देख एमती थाए कौन से माने अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण किपर हे माने जोटा बाहर पटु माने प्रतिफलित हो माने कौन हो भीतर पटे तार कौन होमती पॉलिश कराई थी ठीक अच्छे। ये जो बाहर पटे अच्छे यही पटे कौन हुए माने से प्रतिफलन करें एमती कौन आसपुर मानने रश्मि आसवे प्रतिफलित हे अवतल दर्पण कौन हम देख जमी भितर पटु से माने प्रतिफलन करिबो माने किपर होइथिबो अवतल दर्पण
तार जो कौन हो बाहर पटे एमती पलिश कराई थी ठीक अच्छे मार्जी तो रंग दिया थी भितर पटु मैंने कौन सी पड़ब एवं से पृष्ठर से कौन कर मानने प्रतिफलित तो कर मानने कौन उत्तर दर्पण बाहर पटे मानने प्रतिफलन होता है बुझेगा एवं अवतल दर्पण में कौन होता है भितर पटु प्रतिफलन होता है गुण जो आई कौन हुए यो कौन मान उत्तर दर्पण अच्छी से कौन हुए मानने जितेबले कौन सी मानने वस्तु मानने मानने आलोक पड़ था कौन हुए वस्तु द्वारा देखने केमी देखा जाए मानने बड़ थीवा वस्तुटी जिनसटी कौन हुए छोट आकार रे देखा जाए ठीक अच्छे एवं अवतल दर्पण कौन हुए मानने छोट वस्तु को आम बड़ कर देखी था कहीं जो तार पृष्ठ जो एमती मानने सेमती प्रतिबिंब गुड़ाक देखा जाए थाए तेणुकर आम जो विभिन्न मानने जगह मानक अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण व्यवहार कर जमीती कार एमती गाड़ी मानक जो काच लगी था देखी छो सही कौन हुए मानने पछपट जो कौन गाड़ी गुड़ाक आस जो आसुता है देखे साहय करे ना नहीं मानने बड़ मानने जिनस कौन करोट आकार देखाई थाए सेमती कौन मानने जो दातर जो डाक्तर मैंने थांती से मैंने दात को देखापी कौन व्यवहार करती उत्तल मानने नहीं कौन अवतल दर्पण व्यवहार करण छोट जिनसटी कौन देखा जाए से बड़ हो देखा जाए तेणु उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बहुत सेमती मानने व्यवहार अच्छे तुम्हें जिते बिल उच्च श्रेणी जी आहरी भल भाव पढ़व एवं देखा कौन प्रतिबिंब प्रतिबिंब मानने कौन जदि तुम्हें कौन सी मानने कौन घर जो दर्पण कौन पाखक जाइ था तुम चित्र देखी था ना मानने तुम पर गोटे से चित्र देखी था से कह जाए कौन प्रतिबिंब ठीक अच्छे मानने ये प्रतिबिंब किपर सृष्टि हुए प्रतिफलित रश्मि जो जगह मिलित हुए ताको कौन कह जाए मानने प्रतिबिंब कहते से जगह प्रतिबिंब सृष्टि होता ये प्रतिबिंब मानने दर्पण हो कि अन्य कौन सी पृष्ठ से केमी मानने मानने सृष्टि हुए तैयारी हुए टिके परे जानवा ठीक अच्छे प्रथम देखिए ये प्रतिबिंबर प्रकार यह दुई प्रकार होता है गोटे है प्रकृत मानने प्रतिबिंब रियल इमेज ठीक अच्छे आ गोटे कौन आभासी प्रतिबिंब ठीक अच्छे जहाँ प्रकृत मैंने प्रतिबिंब हो न था गोटे प्रतिबिंब सृष्टि है देखा जाए आम कौन कही था आभासी प्रतिबिंब कही था प्रथम देखा कौन प्रकृत प्रतिबिंब कौन मानने जितेबले प्रतिफलित रश्मि गुड़ाक कौन हुए मानने प्रकृत में कौन सी बिंदु जितेबले मिलित हमें ताकू आम कौन कही था मानने प्रकृत प्रतिबिंब से गोटे प्रकृत प्रतिबिंब या जो मानने प्रतिबिंब जो अच्छी ता सर्वदा कौन था मानने ओलटा था मानने मनकर गोटे जो जेपर गोटे एमती वस्तुटे थी ठीक अच्छे यार जिते बोले प्रतिबिंब कौन सी मानने दर्पण कि कौन सी जगार कौन हम या कौन हम ओलटा हे ठीक अच्छे केमी हम एमती कौन करमी माने तार उल्टा जमी थी प्रकृत जो वस्तु थिला तार जो प्रतिबिंब कौन ओलटा हम आउ गोटे कौन यो प्रतिबिंब अच्छी आम कौन करें कौन कर परदारे आम धरी रखिपर जमी सिनेमा हल जो माने सिनेमा देखी था से प्रकार माने से जो प्रकार प्रतिबिंब गुड़ाक सृष्टि करईटा गोटे कौन प्रकृत प्रतिबिंब ठीक अच्छे से प्रकार कौन आभासी प्रतिबिंब कहले कौन प्रतिफलित रश्मि जितेबले कौन हुए प्रकृत में कौन सी बिंदु मिलित हमें ना कि मिलित है आभास हेले से कौन हुए आभासी प्रतिबिंब सृष्टि होता है जपरी दर्पण जो आम घर व्यवहार करा गोटे आम कौन आभासी प्रतिबिंब प्रकृत से भितर मैंने सेमती कौन सी मैंने जो प्रतिफलित रश्मि गुड़ाक थाए मिलित हमें ना यह सर्वदा कौन सीधा देखा जाए तुम्हें जमीती था सेमती दर्पण मध्य थाए ना ना यहाँ है गोटे सीधा मानने प्रतिबिंब यह प्रतिबिंब को परदारे धरी रखिए ना ये आभासी प्रतिबिंब तापर कौन अच्छे जी प्रकृत प्रतिबिंब किपर सृष्टि हुए जितेबले तुम्हें उच्च श्रेणी को जीव आहरी भल भाव जानव आम केवल कौन जाना ये देख समतल दर्पण में प्रतिबिंब किपर गठन हुए ताणी मनेकर गोटे आम दर्पणटे ना ठीक अच्छे एमती मानने सीधा दर्पणटी जार पृष्ठ कौन थी सामान थी ताको आम समतल दर्पण कही था ना यही प्रकार दर्पण किपर मानने प्रतिबिंब गठन हुए देख
आम कौन करवा जो समुद्र दर्पण अच्छे से आम गोटे मानने मेडिसीन डबाटे एमती रखा ठीक अच्छे यार प्रतिबिंब मानने किपर गठन होता देखा कौन हो देख यार जो मानने जो डबा अच्छे तार आपतित रश्मि क्यों जगह पड़ू मानने समुद्र दर्पण पर ठीक अच्छे समतल दर्पण में पड़ी कौन हम ता मानने प्रतिफलित होमती जीव जो जगह आम देखुचे ठीक अच्छे मानने ये जगह देख ता मानने जो प्रतिफलित रश्मि अच्छी प्रकृत कौन सी स्थान में मिलित होदी आम मैंने कौन कर मानने इमाजिन कर आभास करवा कौन बोली मानने एमती पछपटे कौन सी स्थान मिलित होती जो जगह मिलित हो जगह तार आम चित्रटे देखी पारे ठीक अच्छे यही प्रकार मान कौन एमें देखिले कौन जो माने प्रकृत जो वस्तुटी अच्छे ठीक अच्छे एवं जो माने प्रतिबिंबटी गठन हो वस्तु मध्य कौन देख दूरता कौन अच्छी जो दर्पण से सामान दूरता अच्छे ठीक अच्छे मन कर जो जी दूरता अच्छी मानने से दूर ही कौन है प्रतिबिंबटी गठित है आहरी कौन देखा देख ए जो प्रकृत जो मानने कौन वस्तुटी जिते मानने आकार जिते बड़ अच्छी से ही आकार से बड़ यही मानने प्रतिबिंबटी गठन हो मैंने कौन जापारे मानने समतल दर्पण किपर प्रतिबिंब गठन हो प्रतिबिंब टी कौन आभासी हो मानने प्रकृत में कौन भी स्थान से जो प्रतिफलित रश्मि मिलित होना कितु मिलित है भाया जनापड़ी ठीक अच्छे आप जापारे सीधा अच्छे प्रतिबिंबटी सीधा अच्छी ना मैं जमी सेमती यही प्रतिबिंबटी अच्छी से आउ कौन सामान आकार मानने प्रतिबिंब एवं वस्तुर आकार कौन अच्छी सामान अच्छी आहरी से कौन देखिले तार दूरता कौन अच्छी मानने प्रतिबिंब एवं वस्तु मध्य सामान दूरता अच्छी आउ गोटे गुण देखिले पार्श्व परिवर्तन किपर पार्श्व परिवर्तन देख यो कौन प्रकृत जो वस्तुटी अच्छी ठीक अच्छी तहार ये धला रंग जो मानने जगटी अच्छी देख तार पार्श्व एपटे हो जाए ठीक अच्छे प्रकृत यह जदि आम कौन जदि धरवा मानने यहाँ पूर्व यहाँ जो पश्चिम अच्छी ठीक अच्छे तार जो मानने दिगटी जो कह मानने ये पूर्व दिगरे ये धला रंगटी अच्छे किंतु ये चित्र देख पश्चिम आड़ को पलाई मानने आसी जाए ना ना मानने धला रंगटी क्यों आड़े अच्छे पश्चिम मानने यार पार्श्व परिवर्तन हो ना तेबे आम ये पार्श्व परिवर्तन मानने कौन कहीपर पार्श्व परिवर्तन मानने कौन बुझा सेमती आहरी गोटे मानने कौन चित्र देखे जापर कौन तुम्हें जिते बेले घरे तुम दर्पण मानने सामने ठिया है कौन हुए जिते तुम बड़ था से बड़ कौन देखा जाए तुम चित्र देखा जाए से दूर से चित्रटी यापर आउ कौन होता है तुम जो राइट हैंड थाए से जिते बेले तुम जिते बेले दर्पण देखु से लेफ्ट हैंड पूरी जना जाए ना ना ठीक अच्छे एवं तुम लेफ्ट हैंड टी तुम मानने राइट हैंड पर जना जाए से ही जिनस को कौन बोली कह जाए पार्श्व परिवर्तन बोली कह जाए माने कौन प्रतिबिंबरे माने कौन बुझिले प्रतिबिंबरे बाम हाथ डाहाण हाथ परी एवं डाहाण हाथ टी बाम हाथ परी देखा जाए यहाँ को पार्श्व परिवर्तन बोली कहंती एवे देखिबा कौन प्रतिफलन प्रकार यह दुई प्रकार रही था गोटे समतल प्रतिफलन एवं गोटे असम माने असम प्रतिफलन सम प्रतिफलन एवं असम प्रतिफलन कौन देख यही चित्र कौन अच्छे देख गोटे पृष्ठ अच्छे ठीक अच्छे से ही पृष्ठटी कौन अच्छी मानने असमतल अच्छी सामान हो कि ना मानने असमतल हो कि मानने से पृष्ठटी अच्छी सेमती सेहीपरि कौन आम आलोक रश्मि को कौन करवा गोटे समतल या पृष्ठ जितेबले पकड़ कौन है देख प्रथम देख आम जितेबले कौन करवा गोटे असमतल मानने पृष्ठ से पकाऊे मानने आलोक रश्मि को समातरल मानने भाव से कौन हो देख यार जो रश्मि गुड़ाक अच्छे देख एपटे सेपटे जा जो तार प्रतिफलित रश्मि कौन गोटे समांतर आलोर अच्छी कि ना कि देख यही जगार तार आपतित रश्मि को आम जिते बेले कौन करें समांतर भाव में जिते बेले समतल पृष्ठ से पकाइले तार प्रतिफलित रश्मि कौन हो मानने गोटे समांतर आलो भाव में से रश्मि गुड़िक प्रतिफलित हो बुझीगला मानने एमें कौन देखुचे देख असमतल पृष्ठ से जो कौन आपतित रश्मि एवं कौन प्रतिफलित रश्मि कौन अच्छा सामांतराल भाव में होना ठीक अच्छे किंतु
এই জায়গায় দেখো যে আপতিত রশ্মি আসুচার এবং ফেরা বেড়ে সবু মানে কোণ প্রতিফলিত রশ্মি গুড়াক কোণ অনেক সমান্তরাল ভাবে অনেক মানে এর আমি কোণ জাঁপারে যদি আপতন হেউথিবা এক সমান্তরাল রশ্মি গুচ্ছ কোণী পৃষ্ঠ দ্বারা প্রতিফলিত হব ঠিক আছে আমি সমান্তরাল ভাবে পকাইবা পরে কোণ হব যে প্রতিফলিত রশ্মি গুড়িক পরস্পর সহ সমান্তর হুঁতি তাহলে সম প্রতিফলন কুয়া যায় মানে কোণ যেতবে আমি সমতল পৃষ্ঠরে আমি যেতবে পকাইবা এবং তাহা কোণ সৃষ্টি করিবা গোটে সমান্তরাল ভাবে প্রতিফলিত রশ্মি যেতবে সৃষ্টি করিব সেই প্রকার প্রতিফলনকু আমি সম প্রতিফলন বলি কহিবা আউ কোণ যদি আপতন হেউথিবা এক সমান্তরাল গুচ্ছ মানে রশ্মি গুচ্ছ কোণসি পৃষ্ঠ দ্বারা প্রতিফলিত হেবা পরে কোণ হব প্রতিফলিত রশ্মি গুড়ি পরস্পর সহ সমান্তর হুঁতি না এবং মানে কোণ হব মানে অসমান্তর হব তাহলে আমি কোণ বলে কহিবা অসম প্রতিফলন বলে কহিবা কেউটি অপ্রতিফলন দেখ এইটা হল অসম প্রতিফলন এখানে দেখো যে এইটা যে অছি মানে প্রতিফলিত রশ্মি তাহা কোণ গোটিয়ে সমান্তরালের অনেক কি না বুঝিপার সম প্রতিফলন এবং অসম প্রতিফলন কোণ আচ্ছা এই যে কোণ প্রতিফলিত রশ্মি হচ্ছে ঠিক আছে এই প্রতিফলিত রশ্মি আমি ব্যবহার করি কি আহরি প্রতিফলন করে পারিবা কি না দেখ তুমি মানে কোণ দেখিছ সেলুন যেতবে ঠিক আছে বাল কাটি গেলে দেখি থাকবে তোম পছপটে দর্পণ থাকে ঠিক আছে তোমার সামনাপটে কোণ থাকে দর্পণ থাকে তুমি কোণ করে থাও তুমি সামনারে বসিকি তোম পছপটে তোম বাল মানে কেমিতি কটা হয়েছে কোণ তুমি দেখিপার না এইটা কোণ মানে প্রতিফলিত মানে আলোক বা রশ্মি পুনশ্চ আমি প্রতিফলিত করে পারিলে মানে এমিতি কার্য হয়ে থাকে এই যে কোণ অছি মানে প্রতিফলিত আলোক পুনশ্চ যে প্রতিফলিত মানে যে হয়ে পড়ছে আলোক এদ্বারা কোণ হয়ে থাকে মানে বিভিন্ন প্রকার মানে যন্ত্র তৈরি করা যায় যেমি কোণ পেরিস্কোপ যা তুমি পূর্ব শ্রেণী মধ্যে এ বিষয়ে কিছু জাঁচ ঠিক আছে পেরিস্কোপে কোণ করা যায় সেথিরে মানে দুইটি সমতল দর্পণ মানে ব্যবহৃত হুয়ে সেমিতি এবং মানে কোণ হয়ে থাকে গোটে মানে খঞ্জা হয়ে থাকে সেমিতি যন্ত্রে এবং এখন যেমি বুড়া জাহাজ থাকে ঠিক আছে সে ট্যাঙ্ক মানকরে এবং যে বঙ্করে যে সেনাবাহিনী দ্বারা মানে বাহারে থাকা বস্তুগুলা দেখবার এই মানে যে পেরিস্কোপ থাকে তাহা সহায়ক হয়ে থাকে এইটি হল দেখ গোটি পেরিস্কোপ যা মানে সমুদ্র বুড়ালি মানে বুড়াজাহাজ মানুষের এমিতি থাকে ঠিক আছে এর কোণ হুয়ে মানে দুইটি এমি মানে সমতল মানে দর্পণ ব্যবহার করা যাই মানে এইটার যে বস্তু দেখা যাব ঠিক আছে তাহলে কোণ করব সেমিতি প্রতিফলন করে কি মানে আমি দেখা দিয়ে থাকে মানে ভিতরে যে থাকে ঠিক আছে বুঝিগেল তাপরে দেখ গোটে বহু প্রতিবিম্ব মানে আমি কোণ করে থাকুন মানে বহু থরে থরে দেখি থাকুন গোটে জায়গা কোনো কোণী জায়গা গেলে আমি আমার আমি জনাই থাকুন কিন্তু আমার প্রতিবিম্ব বহুত সারা হয়ে থাকে কেমিতি হয়ে থাকে সেমিতি মানে সেই কোণ হয়ে থাকে দুইটি দর্পণ ব্যবহার করা যাই গোটিয়ে সমুদ্র দর্পণের কেবল কোণ হয়ে থাকে গোটিয়ে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং বহু প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করা কোণ হয়ে থাকে এমিতি দর্পণকু মানে বিভিন্ন মানে কোণরে তাকে রখা যাই যা দ্বারা কোণ হুয়ে মানে গোটিয়ে অধিক সেথিরে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়ে থাকে কেমিতি দেখ এই চিত্রে কোণ করা হয়েছে দেখ দুইটি মানে দর্পণ সমতল দর্পণক মানে বিভিন্ন মানে তার কোণ করি রখা হয়েছে ঠিক আছে তা অনুযায়ী কোণ হয়েছে দেখ গোটিয়ে চিত্রের তা অনুসারে মানে বহু মানে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়েছে গোটিয়ে কোণ হয়েছে তিন গোটিয়ের মানে তিনটি মানে সৃষ্টি হয়েছে দুইটি প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়েছে ঠিক আছে এমিতি মানে কেমিতি হুয়ে দেখ মানে কোণ আমি কেউ এঙ্গল বা কেউ কোণরে রখিলে কতটি প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হব কেমিতি জাঁবা দেখ তুমি কোণ করব মানে দুইটি সমতল দর্পণক মানে গোটি মানে 90 ডিগ্রি রখিদেব হ্যাঁ রখিলা পরে গোটিয়ে বস্তুক তা আগরে রাখব দেখব কতটি সেথিরে মানে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হচ্ছে তিনটি সৃষ্টি হব সেমিতি তুমি দর্পণ কোণ করব মানে 120 ডিগ্রি রখিকি দেখব হল এবং তা আগরে আগরে কোণ করব গোটি বস্তুটি রখিব এবং দেখব সেথিরে কতটি প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হচ্ছে দেখব সেথিরে দুইটি প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হচ্ছে সেই প্রকারে মানে গোটিয়ে কোণ করব 60 ডিগ্রি মানে রখিকি দেখব ঠিক আছে 60 ডিগ্রি রখিব তাপরে দেখব সেথিরে কতটি মানে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হব পাঁচটি মানে এখন আমি কোণ করবা গোটিয়ে মানে এর গোটিয়ে মানে ফর্মুলাটি কাড়িপারিবা কেমিতি মানে দুইটি দর্পণর প্রতিবিম্ব সংখ্যা কেতে হব কেমিতি জাঁবা মানে
360 डिग्री बाय थीटा। थीटा माने कौन माने से अनंत माने दुईट दर्पण कोण परिमाण ठीक अच्छे माइनस वन कले कौन हम आम से कतोटी प्रतिबिंब सृष्टि होमें जापर जो आम कौन करें 90 डिग्री रखिली कौन है कतोटी प्रतिबिंब सृष्टि होता से बुझीगला। सेहीपरी समतल दर्पण को व्यवहार करोटे जंत्र या कौन कालिडोस्कोप ठीक अच्छे यहीटा कौन कही पेरिस्कोप सेमती यहाँ हूँ कौन कालिडोस्कोप ये कौन हुए मानने ये जो कालिडोस्कोप अच्छे व्यवहार करें विभिन्न रंगीन चित्र गुड़ाक मानने याथ विभिन्न मेला मान छुआ कौन करती छुआ मानी खिलना भाग कौन करती देखाई था कौन हुए मानने तीनोटी समतल दर्पण गोटे आयतकार ठीक अच्छे से मानने समतल तार पृष्ठ थोड़ी व्यवहार करा जाए ठीक अच्छे एवं ताकू चित्र देखा जाऊ सेमती रखा जाए गोटे कौन करती एमती गोटे वृत्ताकार कार्डबोर्ड माने नली भर्ती करती सेमती कौन हुए गोटे कालिडोस्कोप करा जाए थाए ये जो कालिडोस्कोप कालिडोस्कोप जो अच्छे आम तैयारी किपर देख आम तीनोटी कौन करवा आयतकार माने समतल दर्पण नेबा ठीक अच्छे प्रथम एवं गोटे कौन नेबा एमती वृत्ताकार ठीक अच्छे गोलाकार गोटे कार्डबोर्ड नली नेबा जिते बड़ आम कौन नहीं काच मान कौन दर्पण नहीं था टिके कौन कार्डबोर्डटी तार लंब टिके बेसी हवा दरकार ठीक अच्छे तापर कौन करवा देख यहाँ गोटे प्रिजम आकार रखा यनोटी काच को ठीक अच्छे ये चित्र देखाला भलिया देखाला भली कौन करवा ताकू सजाइबा गोटे जमी प्रिजम भलिया देखा एवं जो दर्पण थी तार मसृण ठीक अच्छे जो पटे कौन पलिस कराई से पट को भितर आड़ को रखा तापर कौन करवा देख से कौन एबे यो प्रिजम सेप जो आम तैयारी कले कौन करवा एमती कार्डबोर्ड भितर पुराई देवा एवं गोटे पार्श्व को कौन करवा माने कार्डबोर्ड जो कौन थी माने खोल थी ताद्वारा आम आवृत करदे आउ गोटे पट को कौन करवा देख आउ गोटे पटे कौन करवा गोटे मानने वृत्ताकार समतल काच प्लेटे लगे ठीक अच्छे जमीती यो प्लेटे लगवा ता जो प्रिजम से दर्पण में ता लगिकी थी ठीक अच्छे तापर कौन करापर आम कि रंगीन काच गुड़ी को मानने काचर या मानने चूड़ी गुड़ाक से उपरे रखीदेव ठीक अच्छे तापर कौन करवा आम घोसा कांच द्वारा ताकू आवृत करवा तापर ठीक अच्छे एवं कौन है यो कौन जो आम जो तैयारी कले कौन कालिडोस्कोप यापर जदि हाँ आ गोटे जिनस यो कौन कार्डबोर्ड खोल जो आम गोटे पटे लगे से कौन करवा गोटे मानने रंध्रटे ठीक अच्छे से रंध्र दे आम देखा ए कौन देखते बेले से रंध्रे देख मानने रंगी मानने डिजाइन गुड़ाक से विभिन्न प्रकार देखिपर यही प्रकार कौन करती चित्रकर मैंने विभिन्न डिजाइनर मैंने कौन करती नक्शा गुड़ाक सेमती नूत नूतन डिजाइन से देखाई था चित्र गुड़ाक व्यवहूत होता है। ये कौन कालिडोस्कोप से आउ गोटे देखा कौन सूर्य आलोक सूर्यलोक सूर्य आलोक यह धला थाए कि रंगीन थाए तुम्हें जाच कौन सूर्य जो आलोक थाए धला देखा जाए ठीक अच्छे मानने जो अच्छे मानने धला रंग सातटी बर्णर समाहार ठीक अच्छे जिते बिल आम गोटे प्रिजम पर कौन करवा पकाइबा ठीक अच्छे कौन बाहर मानने सातटी रंगर गोटे मानने समाहारटे बाहर विभिन्न रंगर यो चित्र देखाला भाया मैंने केते बेले देखिपर मानने प्रिजम पकाइला परे जो मानने आलोक बाहर जदि गोटे मानने परदा धला परदार जिते बेले पकाइब एमती विभिन्न रंगर पाइब ठीक अच्छे यही जो मानने धला रंग को पकाइला परे विभिन्न जो रंग सृष्टि करुच्ची सूर्य आलोक से प्रक्रिया को कौन कहा जाए
प्रकीर्णन प्रक्रिया कहते ठीक अच्छे मानने प्रक्रिया को कौन बोली कहती प्रकीर्णन प्रक्रिया कहती जो विभिन्न रंगर समाहार को कौन बोली कहुए वर्णाली कहुए इंद्रधनु देखिथे सेमती सतटी रंगर गोटे मानने कौन गोटे सृष्टि होता है यहीपरी एक वर्णाली ठीक अच्छे यह कौन हुए मैंने ये जगह आम कौन कली प्रिजम व्यवहार कले कौन है एमती वर्णाली सृष्टि सेपरि इंद्रधनु कौन हुए जलकणा गुड़ा मानने कौन हमें वायुमंडल था ठीक अच्छे से जलकणा गुड़िक कौन करती प्रिजम भरी कौन करती कार्य करती ता द्वारा सूर्यालोकर कौन हुए वर्णाली सृष्टि होता है जहाँ को आम कौन बोली कही था इंद्रधनु बोली था बुझेगा यही मानने प्रकीर्णन वर्णाली कौन अच्छा आम आलोक पड़ी था कही था वस्तु तापर जाए आम देखी था मानने आम आखि गोटे कौन मानने गोटे गुरुत्वपूर्ण कौन मानने अंग जहाद्वारा आम कौन कौन सी वस्तु को देखी पार्छे ठीक अच्छे ता विषय टी देखा कौन देख ये कौन हुए आलोक गोटे वस्तु आम चक्षुरे जिते बेले पड़े ठीक अच्छे से कौन हुए आम से ही वस्तु को देखिपर मानने चक्षु आम गोटे कौन अमूल्य संपद एवं श्रेष्ठ आम ज्ञानेन्द्रिय अटे ना नहीं आम से कार्यटी कराद्वारा आम विभिन्न जिनस को देखिपर ठीक अच्छे एवं देखा ये चक्षुर कौन विभिन्न मानने तार गठन एवं कार्य प्रथम देखा चक्षुर गठन किपर थाए ए कौन थाए स्वच्छ पटल ठीक अच्छे ये चित्र देख कौ जगार स्वच्छ पटल अच्छी ठीक अच्छे सेमती कनिनिका पितुला सिलियारी मांस पेशी थाए ठीक अच्छे चक्षु लेंस थाए मुकुरिका स्नायुकोष अंधबिंदु यही सब विभिन्न जो अंग अच्छे कौन थाए ये चक्षु भितर थाए एवं देखा ये विभिन्न जो यार जो अच्छी गठन मैंने कौन स्वच्छ पटल कनिनिका एम कौन सब कार्य करें कौन चक्षुर कौन कर देखी था मानते देखे किपर यही सब जिनस गुड़ाक साती देखा प्रथम कौन स्वच्छ पटल देख के जगार अच्छे स्वच्छ पटल मानने सबुरु जो बाहर अंशर जो मैंने आखि को घेरिकी रही स्वच्छ पटल ठीक अच्छे ये स्वच्छ पटल कौन कै मानने धला रंगर थाए आखि देखी ना धला रंगर थाए टे सत रहे ठीक अच्छे यह चक्षुर भितर अंश को कौन कै आकस्मिक जो दुर्घटना कौन करें रक्षा करें आ गोटे जिन चक्षु देखा प्राय कौन गोटे बर्तुलाकार थाए ठीक अच्छे से बर्तुला उपर अंशी कौन है स्वच्छ पटल जहाँ विभिन्न मानने दुर्घटना आगु आम आखि को मानने चक्षु को रक्षा करतापर कौन थाए कनिका ठीक अच्छे ये चित्र देख कनिका के जगार अच्छी स्वच्छ पटल को भितरे कौन अच्छी गोटे कनिका ये है ठीक अच्छे यार काम कौन धूसर रंगर है गोटे मांसाल मानने अंशटी ठीक अच्छे पितुला को यह धरिकी रखी थाए पितुला कौन कर देख संकुचित एवं प्रसारण यह साय आम आखिर जो कला अंश था जानते जिते बेल कौन उज्जवल आलोक हेले कौन हुए ता संकुचित हो जाए मानने नर्माल व्टर थी कौन सरी नर्माल मान लाइट थी कौन हुए सहीटा मानने प्रसारण होए मानने संकुचित तो केते बेल होता है जिते बेल आलोक उज्जवलता अधिक हो जाए प्रसारण केते बेल हुए जिते बेल आलोक उज्जवलता कम हुए ठीक अच्छे तापर देखा सिलियरी मांसपेशी काम कौन चक्षु जो लेंस थाए धरिकी यहाँ रखी थाए चक्षु लेंस ये चक्षु लेंस काम कौन जो मध्य भाग थाए मैं गोटे उत्तर लेंस भरी थाए ठीक अच्छे आलोक को यह फोकस कर मुकुरिका को पठाई थाए जो मुकुरिकार से आलोक पहुँचे कौन कै से जगह अनेक स्नायु मानने कोष गुड़ाक था कोष कौन कै गोटे मानने अनुभूति मानने सृष्टि कर ठीक अच्छे सेनसेसन जहाँ को कहते कौन कै यही मुकुरिका कौन करम मस्तिष्क को पठाई थाए यही मुकुरिकार जो स्नायु कोष थाए कौन दुई प्रकार कोषर गढ़ाई थाए गोटे को कहती कन्स आ गोटे को रोड्स बोली ठीक अच्छे कन्स कौन कै उज्ज्वल आलोक प्रति संवेदनशील होता है यह रंग चिन्हार सहायक होता है रोड्स काम कौन क्षीण आलोक प्रति यह संवेदनशील
ବୁଝିଗଲେ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଏମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିକୁ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପଠାନ୍ତି, ସେମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କ କ'ଣ କରେ ସେହି ଅନୁଭୂତିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରେ ଏବଂ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିପାରିଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହୁଏ ଯେ ଆମେ ଚକ୍ଷୁରେ ପ୍ରାୟ ଆଲୋକ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ସେହି ବସ୍ତୁଟିକୁ ଦେଖିପାରୁ। ଏଇ ଚକ୍ଷୁରେ ସେମିତି ଆଉ ଦୁଇଟି ଅଂଶ ଥାଏ, କ'ଣ ସେଇଟା ଅନ୍ଧବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ହଳଦିଆ ବିନ୍ଦୁ। ଅନ୍ଧବିନ୍ଦୁ କ'ଣ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ, ଅନ୍ଧବିନ୍ଦୁ କେଉଁଟା କୁହନ୍ତି, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍ପଟ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କଲା ଅଂଶ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଅନ୍ଧବିନ୍ଦୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥାଏ କ'ଣ ହଳଦିଆ ବିନ୍ଦୁ, ଏହାର କାମ କ'ଣ ଦେଖ, ଅନ୍ଧବିନ୍ଦୁ କ'ଣ ନେତ୍ର ସ୍ନାୟୁ ଓ ମୁକୁରିକାର ମିଳନ ସ୍ଥଳରେ କୌଣସି ମାନେ ସ୍ନାୟୁକୋଷ ନଥାଏ, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଅନ୍ଧବିନ୍ଦୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ମିଳିତ ହୋଇ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହୁଏ ସ୍ନାୟୁକୋଷ ଥାଏ ନାହିଁ, ସେହି ଜାଗାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଅନ୍ଧବିନ୍ଦୁ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମାନେ ଆଲୋକ ପଡ଼ିଲେ ମାନେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ, ଥରେ ଥରେ ଦେଖୁ ନାହିଁ ଆମେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିବା ମାନେ ବେଶୀ ଆଲୋକ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେଲେ ଆମେ ଟିକିଏ ଦେଖିପାରୁନି, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଲୋକଟି କ'ଣ ହୁଏ ଆମ ଅନ୍ଧବିନ୍ଦୁରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ବୁଝିଲେ ନା। ହଳଦିଆ ବିନ୍ଦୁରେ କ'ଣ ହୁଏ, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରୂପେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ପଡ଼ିବ କ'ଣ ସେଇ ମାନେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିଟି ବା ସେ ଲାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଆସିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରୂପେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ହଳଦିଆ ବିନ୍ଦୁକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟମାନେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମକୁ ସେଇ ବସ୍ତୁରେ ଟିକିଏ ମାନେ ସଫା ଦେଖା ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ଦେଖାଯାଏ, ବୁଝିବା ନା। ଏଇଟା ହେଲେ ସେ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ ବସ୍ତୁକୁ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଥାଉ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦେଖିଥାଉ ବା ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ଦେଖାଯାଏ ବା ସ୍ପଷ୍ଟ ବା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ାକର କାର୍ଯ୍ୟ, ବୁଝିହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ କିପରି ଗତିଶୀଳ ଦେଖାଯାଏ, ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ କ'ଣ, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସିନେମା ହଲ୍ ମାନଙ୍କରେ ଟେଲିଭିଜନ ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ତାହା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, କେତୋଟି ମାନେ ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ ବା ସ୍ଥିର ଯେଉଁ ଇମେଜ୍ ବା ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ସେମିତି ଗତିଶୀଳ କରାଇ ମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ଦେଖାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳେ କ'ଣ ଦେଖୁ, ତାହା ମାନେ ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖାଯାଏ ନା ନାହିଁ। ଏହା କାହିଁକି ହୁଏ, ଯଦି କ'ଣ ଆମେ ଚକ୍ଷୁରେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି ମାନେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ମାନେ 24 ସ୍ଥିର ଚିତ୍ର ଯଦି କ'ଣ ହେବ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ, ଗତିଶୀଳ ହେଲା ପରି ଜଣାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଟେଲିଭିଜନରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଥାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଇ କାରଣ। ଚକ୍ଷୁ ଡୋଲା, ଚକ୍ଷୁ ମାନେ ଚକ୍ଷୁରେ କ'ଣ ଥାଏ, ଆମ ଚକ୍ଷୁ ମାନେ ଡୋଲା ଥାଏ ନା ନାହିଁ, ଏହା କ'ଣ ହୁଏ, କ'ଣ କରେ, ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଦିଏ ନାହିଁ, ଆଲୋକ ଦରକାର ନଥିଲେ ଏହା କ'ଣ ହୁଏ, ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ଚକ୍ଷୁର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା କେତେ, ଏତିକି ମାନେ 25 cm। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଚକ୍ଷୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ସୁସ୍ଥ ଥିବ, ଆମ ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ସେହି ଦର୍ଶନ କ୍ଷମତା ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବ ମାନେ ସେ କ'ଣ କରିବା, ସେହି ପ୍ରକାର ମାନେ ଚକ୍ଷୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଉଭୟ ଦୂରବସ୍ତୁ ଏବଂ ନିକଟ ବସ୍ତୁ ସବୁକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ସଫା ଦେଖିପାରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। କୌଣସି ପାଇଁ ଚକ୍ଷୁ ମାନେ କ'ଣ, କୌଣସି ଚକ୍ଷୁ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ମାନେ ଦର୍ଶନର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିର ତା'ର ବୟସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏକ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ଚକ୍ଷୁର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦର୍ଶନର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତାକୁ 25 cm ନିଆଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି 25 cm ରଖିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଯଦି ବୋଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ମାନେ କୌଣସି ବି ବସ୍ତୁକୁ ଯଦି ଆମେ 25 cm ଦୂରରେ ରଖିବା ତେବେ ଆମେ ସେହି ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଟିକିଏ ଦୂର ହେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଦେଖାଯିବ, କିମ୍ବା ପାଖକୁ ବେଶୀ ଆଣିଲେ ଆମେ ତାକୁ ସଫା ମାନେ ଦେଖିପାରିବା ବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଆହୁରି କ'ଣ ହୁଏ, କେତେ କେତେ ଥର ମାନେ ଦୂର ବସ୍ତୁକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ନିକଟ ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ମାନେ ଆଖିର ଚକ୍ଷୁର ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଦୂର ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ନିକଟ ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ପ୍ରକାରକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଦୂର ଦୃଷ୍ଟି ମାନେ ସେହି ଚକ୍ଷୁର ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏମିତି କ'ଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବେଶୀ ମାନେ ବୟସ ହୋଇଯାଏ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏମିତି ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟି ବା ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସେମିତି ହୋଇଥାଏ।
ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଚକ୍ଷୁର ମାନେ କିପରି ସବୁ କାମ କରୁଛି ଆମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହାର କ'ଣ ଯତ୍ନ ଦରକାର ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଚକ୍ଷୁର ଆମେ ଯତ୍ନ କିପରି ନେଇପାରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ଅତି କ'ଣ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କିମ୍ବା ଅତି କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ସେଇଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆମ ଚକ୍ଷୁ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଆମେ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେଉଁଠାରୁ ଆଲୋକ ଆସୁଥିବ ସେଇ ଉତ୍ସକୁ ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଆମ ଚକ୍ଷୁ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜାଗା ଧୂଳି କଣା ସବୁ ଉଡ଼ୁଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ମାନେ ଚଷମା ପିନ୍ଧିବା କଥା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆମ କ'ଣ ଚକ୍ଷୁର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବା ନେବା କଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ଚକ୍ଷୁର କୌଣସି ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା। ଏହା ପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ, ଚକ୍ଷୁର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଆମ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। କୌଣସି ମାନେ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ହୋଇଥାଏ। ଜାଣିଛ ଗୋଟିଏ କ'ଣ, ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଭାବରେ ଅନ୍ଧାର କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣିଛ, ସେହି ପ୍ରକାର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ମାନେ ସେମିତି ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହାର ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ଦେଖିବା କ'ଣ, ବ୍ରେଲ୍ ପଦ୍ଧତି। ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ ଦୃଷ୍ଟିରହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ପଦ୍ଧତି ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ପଦ୍ଧତିରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ମାନେ ଆଖି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଥାଆନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ମାନେ ଜନ୍ମରୁ କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ଅଛି ଯାହାକୁ ବ୍ରେଲ୍ ପଦ୍ଧତି କହନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେମାନେ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଭାଷା, ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ ଆଦି ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ପଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରେଲ୍ ପଦ୍ଧତିକୁ ମାନେ କିଏ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି ଯାଉଛନ୍ତି ଜଣେ, ସେ ହେଲେ କ'ଣ କିଏ, ଲୁଇସ୍ ବ୍ରେଲ୍। ସେ କ'ଣ, ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲେ ଜଣେ ମାନେ ଦୃଷ୍ଟିରହିତ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଖି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ମାନେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ପଦ୍ଧତି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ବ୍ରେଲ୍ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ମାନେ 63 ଏମିତି ମାନେ ଡଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ସଜା ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଏମିତି ଯେମିତି ଏ ବି ସି ଚିତ୍ର ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ସେମିତି ସେଥିରେ ମାନେ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ମାନେ ଛୁଇଁକି ହାତରେ ସେସବୁକୁ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ହେଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ବ୍ରେଲ୍ ପଦ୍ଧତି। ଏଇ ପାଠଟି ସରିଲା ଠିକ୍ ଅଛି। Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. ଧନ୍ୟବାଦ।